हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अनएथिकल बिजनेस बिहेवियर के बारे में एक टॉपिक। एथिकल टॉपिक जो है, एथिक्स का जो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए ये जो टॉपिक है आपका कम से कम 5 मार्क्स का आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, जहाँ पे सीधा सीधा आपसे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है कि अनएथिकल बिजनेस बिहेवियर क्या है, या फिर जो है एक फुल फ्लेज क्वेश्चन में एथिकल बिहेवियर को लेकर के सवाल पूछा जा सकता है, जिसके साथ अटैच कर दिया जाएगा कि अनएथिकल बिजनेस बिहेवियर क्या हो सकता है। एथिक्स के ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ बना ली है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी आप जा करके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि अनएथिकल बिजनेस बिहेवियर क्या होता है, ताकि आपको ये समझ आ सके कि ये अनएथिकल है तो ये चीज़ें नहीं करनी, तब जा करके आप एथिक्स को एक तरीके से कंप्लीट कर पाओगे या एथिक्स आपका काम हो पाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में हम जब भी जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, आपका जो करप्शन है और अनएथिकल बिहेवियर है, वो दोनों चीज़ें क्या है, साथ साथ चलती हैं, साइड बाय साइड चलती हैं, करप्शन और आपका अनएथिकल बिहेवियर। कैसे? देखिए, बिजनेस आज के टाइम में हमारे देश में बिजनेस चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं कहेंगे, पर रहा थोड़ा सा ईजी हुआ है, लेकिन आज भी अगर आपको कुछ काम करवाना हो, गवर्नमेंट का कुछ काम कराना हो, आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जा करके कुछ काम कराना हो, तो वहाँ पर आज के समय में अब भी जो है 70-80% आपको जो है रिश्वत देनी पड़ती है। अब बिजनेस वाले जो है उनको चाहिए कि भाई हमारा काम जल्दी हो जाए ताकि हम ठीक से काम कर सकें, लेकिन वहीं पे अगर आपको जो है ये जो सामने सोच ले कि नहीं मैं रिश्वत नहीं दूंगा, तो आपका काम इजीली नहीं होगा। इसलिए बिजनेस कई बार सोचता है कि चलो हम कुछ जो है एक तरीके से पैसा खिला करके या कुछ भी करके अपना काम निकलवा लेते हैं, बाद में कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलता है, ये वाले सिचुएशन में आ गए हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, करप्शन एंड अनएथिकल बिहेवियर गो टुगेदर एंड एग्जिस्ट साइड बाई साइड। तो जो आपका करप्शन है और अनएथिकल बिहेवियर है, वो साथ साथ चलता है, टुगेदर चलता है और साथ साइड बाय साइड चलता है। करप्शन इज इंकरेज बिकॉज बिजनेस कैन नॉट वेट। करप्शन क्यों इंकरेज होता है, क्योंकि बिजनेस वाले लोग वेट नहीं कर सकते कि भाई 2-10-12 चक्कर लगाएं, एंड हैज़ टू बी केप्ट गोइंग एज एन एक्सिस्ट कंसर्न वाइल गवर्नमेंट रेड टेप टास्क टाइम। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट की सिचुएशन में आपका बहुत टाइम जाता है उनके कामों में, तो इसलिए आप जो है उतना टाइम नहीं लेना चाहते। द वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी प्रैक्टिस अनएथिकल बिहेवियर फॉर फुलफिलमेंट ऑफ देयर ओन गोल्स एंड इंटरेस्ट। हमारी सोसाइटी में कई लोग जो है अनएथिकल बिहेवियर प्रैक्टिस करते हैं, अनएथिकल बिहेवियर उनका होता है, क्यों होता है, ताकि उनके पर्सनल जो गोल्स हैं और इंटरेस्ट है वो कंप्लीट हो सके, दैट्स वाई। अब बिजनेस के पर्पज से अगर अनएथिकल बिहेवियर देखा जाए तो वो इस प्रकार से होते हैं। सबसे पहला, अनएथिकल बिहेवियर टू वर्कर्स, यानी वर्कर्स की तरफ अनएथिकल बिहेवियर। सबसे पहला, ओवरलुकिंग इंडस्ट्रियल सेफ्टी नॉर्म्स इन ऑर्डर टू गेट वर्क डन। यानी कि आप जो है कुछ इंडस्ट्री के सेफ्टी नॉर्म्स बनाए गए हैं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर इस जगह पे काम ले रहे हो, जैसे आप काम ले रहे हो और वहाँ पे कांच का काम है, तो आपको क्या है, प्रॉपर ग्लव्स आपको देने हैं, प्रॉपर आपको जो है एक गोगल्स आपको देने हैं, चश्मे जो आपको होते हैं वो देने हैं ताकि उसके आँख में ना चला जाए, या फिर जो है पूरा उसको प्रॉपर इक्विपमेंट्स देने हैं कि उसके हाथ पैर पर कहीं उससे वो उसको जोखिम ना हो, उससे कटपट ना जाए। तो ये क्या है, ये इंडस्ट्रीज़ के कुछ सेफ्टी नॉर्म्स है जो आपको अपने वर्कर्स को प्रोवाइड कराने पड़ते हैं जब आप उससे कुछ काम ले रहे हो और वो काम जानलेवा है या फिर कुछ गलत नहीं, मतलब उनकी हेल्थ के लिए इशू कर सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये सारी सेफ्टी उनको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। लेकिन अब आप क्या हो, आपको लगता है कि यार छोड़ना क्या ही करना, वर्कर ही तो है, क्योंकि आज भी हमारे देश में ये पूरा मेंटालिटी है कि वर्कर ही तो है, चला भी जाएगा तो क्या हो गया, कुछ उसको प्रॉब्लम भी हो गई तो क्या हो गया, दे देंगे इसकी फैमिली को कुछ पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे सिचुएशन में ये एक अनएथिकल बिहेवियर है, आपको अपने जो है वर्कर्स को तरफ उनके सेफ्टी जो नॉर्म्स बनाए गए हैं वर्कर्स से काम कराने के समय में, जो सेफ्टी उनको प्रोवाइड करानी है वो आपको देनी पड़ेगी, अगर आपने नहीं दी तो वो एक अनएथिकल बिहेवियर कहलाता है। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो, अगर आप उनसे जो है सेफ्टी नॉर्म्स जो है आप ओवरलुक कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो और काम करा रहे हो, तो वो एक अनएथिकल बिहेवियर है। सेकेंड इज डिनाइंग लेजिटमेट प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन जो उनका लेजिटमेट है वो डिनाई कर देना कि भाई नहीं तुम तो ऐसे ही काम करते रहो। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेटिंग अमॉन्ग वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सेक्स एंड रिलीजन। यानी कि आप अपने वर्कर्स, आपके पास क्या है, अब एक
कहते हैं ना समानता का अधिकार, तो हर व्यक्ति के पास समानता का अधिकार है कि भाई हमें इक्वल जो है ट्रीट करो, जैसे आप दूसरे एम्प्लॉय को कर रहे हो हमें भी वैसे ट्रीट करो। लेकिन अगर आप अपनी जगह पे क्या कर रहे हो, अगर आप अपनी जगह पे आप उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, उनके साथ भेदभाव कर रहे हो, किसके बेस पे, कास्ट के बेस पे, कि तुम नीची जात ऊँची जात, जो ये बकवास हमारे देश में आज भी चल रही है कि तुम इस कास्ट के हो उस कास्ट के हो, अगर तुम इस बेसिस पे अपने वर्कर्स को जो है डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, या सेक्स के बेस पे यानी कि जेंडर के बेस पे कि भाई तुम लड़की हो तो तुम ज़्यादा काम नहीं कर सकती, ये वो फलाना ढिलकाना, अगर इस बेसिस पे आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, या रिलीजन के बेसिस पे जो आज के टाइम में अगेन बहुत ज़्यादा हो रहा है हिंदू मुस्लिम टाइप की चीज़ें, इस बेसिस पे अगर आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो तो ये एक अनएथिकल बिहेवियर है। नेक्स्ट इज इनह्यूमन ट्रीटमेंट फॉर टू पुअर वर्कर्स, जो गरीब आपके वर्कर्स हैं, जो पुअर वर्कर्स हैं, जिनकी शायद आपकी आपके पास सैलरी आप जो है 7-8 हज़ार भी नहीं दे रहे होंगे, उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट करना, उनको जो है जैसे कि जो नॉर्मल फैसिलिटी है पंखा भी प्रोवाइड ना कराना, गर्मी में बेचारों से काम करा रहे हो अगर गर्मी है तो, सर्दी में आप जो है ऐसे ही बिना पूरा हवा में बैठा के काम करा रहे हो तो ऐसे, या गर्मी में बिल्कुल धूप में जला करके काम करा रहे हो, तो ये क्या है इनह्यूमन ट्रीटमेंट, कि उनको फैसिलिटी भी नहीं प्रोवाइड करा रहे आप, ना वॉशरूम की ना पानी की, ये सारी जो छोटी मोटी फैसिलिटीज़ हैं एक इनह्यूमन जो है ट्रीटमेंट आप उनके साथ कर रहे हो। तो अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो इसका मतलब आपका अनएथिकल बिहेवियर है आपके वर्कर्स की तरफ। नेक्स्ट इज अनएथिकल बिहेवियर टू कंज्यूमर। अब वर्कर्स के बाद आते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर और बिजनेस का बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप होता है, अगर कंज्यूमर खुश रहेंगे आप उनके साथ अच्छा करोगे सो दे विल इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, दे विल बाय योर प्रोडक्ट, दे विल कीप बाइंग योर प्रोडक्ट इन फ्यूचर। तो वहाँ पे क्या है, आपका कंज्यूमर के साथ अगर आपने अनएथिकल बिहेवियर किया तो वो आपका प्रोडक्ट भी ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, आपके पास ऊपर उनका ट्रस्ट भी नहीं होगा। तो अनएथिकल बिहेवियर कैसे कर सकते हो आप अपने कंज्यूमर्स के साथ, इन ड्यूलिंग मुझे तो स्पेलिंग भी नहीं समझ आ रही क्या लिखी हुई है, इन व्यूलगर एंड फॉल्स एडवर्टीजमेंट टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स, यानी कि आप गलत एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हो अपने कंज्यूमर को ताकि वो अट्रैक्ट हो और साथ ही साथ जो है आपका प्रोडक्ट बाय कर ले, उसमें आप फॉल्स जो है क्लेम्स ले रहे हो कि भैया ये डाल के अगर आप पानी में पियोगे आपका पेट का चर्बी अंदर चला जाएगा, आपके बाल ऐसे लंबे हो जाएंगे, आप ऐसे सुंदर हो जाओगे, आपके चश्मे हट जाएंगे, आपको मतलब जो है एक तरीके से आप क्या करो, आप ये शैम्पू लगाओ आप अपना करियर बना लोगे, ये कर लो आप अपना करियर बना लोगे, ये वाली फेयर एंड लवली या ये वाली वो लगा लो और आप जो है दुनिया में आगे पहुंच जाओगे, पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ मत करो, बस ये क्रीम लगा लो और अपना जो है आप सपना साकार हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें, ऐसी चीज़ें आप दिखा रहे हो कि अट्रैक्ट हो कंज्यूमर और आपके प्रोडक्ट की तरफ आ जाए, आपके प्रोडक्ट को खरीद ले, तो ये एक अनएथिकल बिहेवियर है। नेगलेटिंग आफ्टर सेल सर्विस, यानी कि सेल आपने कर दी, अब आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमारा काम हो चुका, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमें जो मिलना था हमें मिल गया, यानी कि हमने प्रोडक्ट सेल कर दिया, उसके बाद क्या सर्विसेज देनी है हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, ये एक अनएथिकल चीज़ है। आपको आफ्टर सेल सर्विस भी रखनी पड़ती है क्योंकि आज के टाइम में कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर आपका गॉड है, कंज्यूमर आपका किंग है, कंज्यूमर मार्केट का किंग है, तो इसीलिए किंग को खुश रखना पड़ता है। अगर आपने सेल कर दी है तो उसके बाद उनको ऐसी सर्विसेज देना कि वो आपसे जो है हैप्पी रहे, और साथ ही साथ जो है इसकी वजह से क्या होगा आपका जो प्रोडक्ट है उसकी और ज़्यादा वो तारीफ करेंगे दूसरों के सामने। सप्लाइंग लेसर वेट एट हायर प्राइस, यानी कि कम वेट कम वजन का सामान देना हायर प्राइस पे ज्यादा प्राइस पे, तो ये होते हैं कुछ अनएथिकल बिहेवियर आपके कंज्यूमर की तरफ। चलते हैं अनएथिकल बिहेवियर टू इन्वेस्टर और शेयर होल्डर। आपके बिजनेस में जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो शेयर होल्डर ला रहे हैं, वो इन्वेस्टर्स जो है जिन्होंने आपके आपकी कंपनी में पैसा लगा रखा है उनके पैसे हैं, तो उनकी तरफ भी अब आपका अनएथिकल बिहेवियर हो सकता है। अब उन्हीं के पैसे से आप क्या कर रहे हो, आपने इन्वेस्टमेंट करके काम चालू किया है, कैपिटल की तरह उसको यूज़ किया है, तो उनकी तरफ भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, और अगर वो नहीं आप निभा रहे तो वो क्या होता है अनएथिकल चीज़ आप कर रहे हो। तो अनएथिकल क्या माना जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, विद होल्डिंग मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, कि कोई अगर आपकी बिजनेस के इन आपकी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है जो एज अ शेयर होल्डर उनको पता होनी चाहिए, जो एज एन इन्वेस्टर उन सबको पता होनी चाहिए, आप उनको नहीं बता रहे हो। इंड्यूलिंग इन अनहेल्दी स्पेकुलेशन, जो आपकी अनहेल्दी स्पेकुलेशन है उसके बीच में जा रहे हो। अब स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता आप वहाँ जाके देख सकते हो। स्पेकुलेशन आप कर रहे हो अनहेल्दी। नेक्स्ट इज विद होल्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स एटसेट्रा, डिविडेंड्स की पेमेंट आप जो है वो होल्ड करके रख रहे हो। नेक्स्ट इज अनएथिकल बिहेवियर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ आपके अनहेल्दी जो है
बिहेवियर कैसे हो सकते हैं, कीपिंग टू सेट्स ऑफ बुक टू अवॉइड टैक्स, यानी कि आपने क्या है, दो आपने बुक्स बना ली हैं, दो किताबें आप लिख रही हो, दो अकाउंट्स आप बना करके चल रहे हो, यानी कि एक में आप बिल्कुल सच्चा सच्चा चिट्ठा लिख रहे हो जिसमें आपको पता चल सके आपका कितना प्रॉफिट है, और एक ऐसा लिख रहे हो कि भाई जो कि गवर्नमेंट को दिया जाएगा जिसमें प्रॉफिट कम दिखाया जाएगा, जिसमें टैक्स कम देना पड़े, जिसमें लाइबिलिटीज कम बन के आए. Supply wrong and misleading information to government department. Government departments को जो है आप क्या कर रहे हो, misleading information supply कर रहे हो. Deliberately, non-cooperatively with the state in implementation of its economic and social policies. Next is unethical behavior to society at large. This is the last one but not the least one. Okay. अब आपका unethical behavior कैसे है अगर आप society की तरफ देखो तो, bribing public officials to obtain undue favors, यानी कि जो public officials हैं, यानी कि जो public department, जो आपके government department के कुछ ऐसे authorities हैं जो आपके business को favor कर सकती हैं कि भाई ठीक है तुम हमें इतना पहुंचा दो, हम तुम्हारे इतना इसलिए काम कर देंगे, तो उनको ब्राइब करना, जैसे कि भाई हमारा हमें एक और स्टोर खोलना है, ये खोलना है, तो तुम ये पैसे ले लो और हमारा वो दे दो और हम ऐसी जगह पे खोल लेंगे जहाँ पे पब्लिक को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, पर कोई बात नहीं. तो ब्रिंगिंग पब्लिक ऑफिशियल्स टू ऑब्टेनिंग अनड्यू फेवर्स, ठीक है. नेक्स्ट इज कॉजिंग एनवायरमेंट पॉल्यूशन सच एज एयर वाटर साउंड पॉल्यूशन एटसेट्रा, यानी कि इतने बड़े लेवल पे आप जो है पॉल्यूशन बना रहे हो, एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन है, ये साउंड पॉल्यूशन हो, जो कि आपको लोगों को प्रॉब्लम कर रहा है. ब्लैक मार्केटिंग, यानी क्या कर रहे हो, काला बाजारी कर रहे हो, पहले स्टॉक करके रख लिया, बाद में जब उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और प्राइस बढ़ रहा है तो उस टाइम पे उसको मार्केट में निकाल के बेच दिया. एंड होर्डिंग ऑफ गुड्स और गुड्स को जो है अपने पास ब्लैक मार्केटिंग करके उसकी जमाखोरी करके रख रहे हो. प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स इंजीरियस टू हेल्थ ऑफ पीपल एटसेट्रा, और ऐसे प्रोडक्ट्स का जो है आप एक तरीके से बना रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो जो कि लोगों की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है. सो ये था गाइस आज का टॉपिक, अनएथिकल बिहेवियर, आपका बिजनेस बिहेवियर जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ.